नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज हम लोग आईआर का सेकंड जो पार्ट लाया हूं आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। आप जानते हैं आईआर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे दो तीन क्वेश्चन मेंस में जरूर आते हैं। इसके अतिरिक्त यह जो है आपका अन्य सब्जेक्टों में भी सहयोगी रहा है, ज्योग्राफी में भी सहयोगी होता है, पीटी में भी थोड़ा बहुत महत्व दे देता है क्योंकि आप इसको देख करके मैप देखेंगे, मैप से थोड़ा सा सहयोग मिलता है। तो आसियान के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। अगर आप हमारा जो प्रश्न है इस पार्ट टू में, पहला प्रश्न है भारत और आसियान में भारतीय निहितार्थों की पहचान कीजिए। क्या आसियान में भारत एक निहितार्थ के रूप में, भारत का क्या निहितार्थ है इसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या इसमें भारत को प्राप्त होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो आप इसका उत्तर देखिए क्या है लिखते समय, आसियान के साथ मधुर संबंध भारत को जो द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों में लाभ प्राप्त हो रहे हैं इसका विवरण निम्नवत है। इसका विवरण निम्नलिखित है, वह कौन है? पहला देखिए है भारत के पूर्व और चीन के दक्षिण में स्थित आसियान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुरक्षा, आर्थिक हित, ऊर्जा आवश्यकताओं और सामरिक सांस्कृतिक संबंधों को बाधा रहित बनाने तथा इस क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए भारत यहां अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने में कुछ तत्पर है। भारत और आसियान के बीच में यह एक मधुर संबंध बता रहा है। तीव्र आर्थिक विकास और बड़े बाजार के कारण आसियान भारत के लिए आकर्षक का केंद्र है। वर्ष 2009 में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता होने के पश्चात भारत आसियान व्यापार 81.33 मिलियन डॉलर 2017-18 में पहुंच गया। वर्ष 2022 तक आपसी व्यापार को 200 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यूएनओ में सुधार, समुद्री कानूनों का पालन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत को आसियान का समर्थन प्राप्त है। ये जो है इसकी सबसे बड़ी देन रही है। अब बात करते हैं भारत और इसके बीच में जो अन्य चीजें हैं वह क्या हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, यूएनओ में सुधार, समुद्री कानूनों का पालन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत को आसियान का समर्थन प्राप्त है। ऐतिहासिक काल से भारत आसियान का सामरिक सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है। गंगा और मेकांग परियोजना, बिम्स्टेक और ईस्ट पॉलिसी के जरिए भारत अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, पारस्परिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, सॉफ्ट पावर पॉलिसी के माध्यम से ये जो है एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहां पर चल रही है। आपको बता दें ये जो है बहुत बड़ी व्यवस्था है भारत के लिए और इसका लाभ भारत ले सकता है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसके जरिए भारत अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये जो नीति है भारत के लिए, बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक, आसियान, ये सब नीतियां जो है भारत के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, पारस्परिक विवादों का शांति से समाधान और सॉफ्ट पावर पॉलिसी के कारण चीन के मुकाबले भारत इन देशों को सहज स्वीकार्य है। अतः भारत के लिए यहां की संभावनाओं को लाभ उठाने की अपार संभावनाएं हैं। ये आसियान का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण
तर्क रहा है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसियान सदस्य देश भारत को सहजता से स्वीकार करते हैं। यह प्रश्न ऐसे लिखा जाएगा उत्तर उसका। अगला प्रश्न है आपका, भारत की अफ्रीकी नीति पर प्रभाव डालिए। भारत की अफ्रीकी नीति क्या है? भारत की अफ्रीकी नीति, जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रह करके कई आंदोलनों को जन्म दिया, वहां पर कई देशों को आजाद कराया, और वहां से फिर वो भारत आए, तो भारत और मतलब अफ्रीकी देशों का संबंध अंतर मतलब ये आजादी के पूर्व से रहा है, तो इसकी बात करते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? पहला है, अफ्रीकी देशों की बढ़ती क्षमता और प्रचुर संसाधन के कारण अफ्रीका आज आर्थिक रूप से मजबूत देशों के आकर्षक का केंद्र रहा है। आपको बता दें, प्राकृतिक संसाधनों का धनी होने के कारण अफ्रीका आज भी जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा, या अन्य विकसित देशों या विकासशील देशों के लिए जो आर्थिक रूप से बड़े देश के रूप में आ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहा है। भारत का अफ्रीका के साथ पुराना आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को प्राथमिकता दी गई है। भारत की अफ्रीकी नीति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारत अफ्रीका की नीति की क्या विशेषताएं हैं, इसकी बात करते हैं। अब आप देखेंगे अफ्रीका, भारत अफ्रीका संबंध का महत्व क्या है। चीन, बात करते हैं चीन, जो चीन है, चीन की अफ्रीकी रणनीति में बहुत से देश फंसे हुए हैं। चीन का मजबूती से सैन्य बेस रहा है, जब चीन का जिबूती से सैन्य बेस रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में साझेदारी से लेकर सूडान की स्वतंत्रता तक गहरे संबंध रहे हैं। प्राचीन समय से व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध भारत का रहा है। भारत अफ्रीका फोरम की बात करें यहां पर है। अफ्रीका विश्व का प्रचुर संसाधनों वाला देश है। इसके बाद बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई है। युगांडा जैसे देशों की जीडीपी का 2/3 भाग भारत और भारतीय प्रवासियों द्वारा कमाया जाता है और उपयोग किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश मतलब महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यहाँ का, आपको बता दें। और यह जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण, चाहे युगांडा रवांडा की रणनीति हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका की रणनीति हो, अन्य देशों की रणनीति हो, जो भारत के लिए सामरिक रहे हैं। आपको बता दें, गुट निरपेक्ष आंदोलन में साझेदारी से लेकर सूडान की स्वतंत्रता तक गहरे संबंध भारत और अफ्रीकी देशों के साथ रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है। युगांडा जैसे देश की जीडीपी का 2/3 भाग भारत और भारतीय प्रवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत अब विकासात्मक साझेदारी पर फोकस कर रहा है। इसके तहत रवांडा, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में विकास परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत और अफ्रीका के मध्य संबंध मजबूत करने के लिए अनेक फोरमों के माध्यम से अफ्रीकी देशों की विकास परियोजनाओं पर भारत कार्य कर रहा है। भारत जापान के साथ एशिया अफ्रीका संबंध को मजबूत करने के लिए अनेक परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। ये जो है सबसे बड़ी बात है, इस परियोजनाओं पर कार्य भी कर रहा है। हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, आप जानते हैं सौर ऊर्जा के लिए भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि किया है, और इस अंतर्राष्ट्रीय संधि में भारत का जो है भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के माध्यम से धन उपलब्ध कराया, जिसके द्वारा
अफ्रीकी देशों में सौर ऊर्जा के लिए आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। प्रवासी भारतीयों और निजी कंपनियों के माध्यम से भारत ने अफ्रीकी देशों में निवेश को बढ़ावा दिया है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी द्वारा सहयोग मजबूत किया है। हाल के वर्षों में भारत ने आधिकारिक यात्राओं के द्वारा अफ्रीकी देशों से संबंध मजबूत करने में सफलता पाई है। भविष्य में सहयोग के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली उत्पादन और कृषि में शामिल है। ये आपको बता दें, इतने चीजों में भारत एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अगला प्रश्न है आपका, वह है मार्कोसुर पर टिप्पणी लिखे। मार्कोसुर चर्चा में रहा, अभी आपको बता दें 2018-19 में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में रहा मार्कोसुर। मार्कोसुर इसमें चर्चा में रहा। आपको बता दें ये जो चर्चा का विषय रहा वो है क्या। मार्कोसुर कुछ दक्षिणी अमेरिकी देशों का एक क्षेत्रीय साझा बाजार है जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में एशियन संधि के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा चार संस्थापक सदस्य देश हैं, जिसमें अर्जेंटीना जानते हैं विश्व का आठवां बड़ा देश है। यह जो है विश्व का आठवां बड़ा देश है, यह सबसे बड़ा देशों में आता है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है और यह जो है रोटी की डलिया कहा जाता है। और इसका नाम अर्जेंटन शब्द से पड़ा था जिसका अर्थ होता है चांदी का उत्पादक देशों के रूप में यह प्रमुख रूप से जाना जाता था। ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे हैं। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। आपको बता दें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में महत्वपूर्ण देशों में ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे जो है तेल उत्पादक बड़ा देश है, वेनेजुएला और उरुग्वे पराग्वे, और इसके अतिरिक्त जो है अर्जेंटीना, वहां किस में मुक्त व्यापार करने के लिए एक समझौता कर रहे हैं। और इसके बाद आप करते हैं, इसका संगठन का मुख्यालय कहां, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में है। वर्तमान में जो है इसमें कौन कौन से देश और शामिल हो रहे हैं, इसमें चिली, आपको बता दें वर्तमान में चिली, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू सहयोगी सदस्य का दर्जा दिया गया है। दक्षिण अमेरिकी आर्थिक गुट मार्कोसुर ने गुट के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने तथा अपने बुनियादी मानकों को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण वेनेजुएला को निलंबित कर दिया। आपको बता दें वेनेजुएला को मार्कोसुर से अलग कर दिया गया था और पहली बार वेनेजुएला में आर्थिक मंदी देखने को मिली 18-19 के दौरान। 18-19 में बता दें सन 2018-19 में वेनेजुएला में भारी मात्रा में आर्थिक कमी दिखाई दी और यहाँ आर्थिक मंदी देखी गई। आपको बता दें वेनेजुएला इस सिद्धांतों का पालन मार्कोसुर का पालन न करने के कारण इसको बाहर कर दिया गया था। अब बात करते हैं मार्कोसुर संगठन को ग्राफ द्वारा देखते हैं क्या है ये। आपको बता दें मार्कोसुर जो है एक संगठन का नाम है, इसमें निलंबित देशों में वेनेजुएला का नाम आता है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था वेनेजुएला इसका जो है कैसा देश है, आपको बता दें इसका जो है निलंबित देशों में आता है वेनेजुएला निलंबित देश है। और अर्जेंटीना और ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे इसके सदस्य देश हैं, संस्थापक सदस्य देशों में से हैं। और इस संगठन की स्थापना जो है सन 1991 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मोंटेविडियो में है और सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार कराया जा रहा है। संगठन का उद्देश्य क्या है, इसके बाद
इसके बारे में बात करते हैं। संगठन का उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस संगठन के सदस्य देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना अपने साझा दृष्टिकोण पर विभिन्न संगठनों में अपने साझा हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो जो देश है जैसे वेनेजुएला निलंबित चल रहा है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, उरुग्वे है, पराग्वे है, और सदस्य देशों के रूप में चिली उली को स्थान दिया गया है। सदस्य देशों में चिली है, बोलेविया है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है और पेरू है, इसे सदस्य देशों में शामिल हैं। और ये जो है सदस्य देश, आप जब भी कहीं पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बात साझा करते हैं तो ये एक दूसरे के लिए सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अब आप बात करते हैं नाटो। अगला प्रश्न है आपका नाटो। नाटो क्या है? नाटो क्या है? नाटो, नाटो क्या है? नाटो की भूमिका में वर्तमान परिवर्तनों की पड़ताल कीजिए। नाटो की भूमिका में वर्तमान में क्या परिवर्तन हो रहा है इसकी बात करना है। समझ गए आप? इसकी बात करना है क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो बात करते हैं नाटो में कुल 29 देश हैं। 29 देशों का एक राजनीतिक सैन्य संगठन है नाटो, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसकी जो है जो स्थापना हुई उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और आपको बता दें स्थापना के समय इसके निम्न उद्देश्य थे। स्थापना जिस समय हुई इसके निम्न उद्देश्य कौन कौन से थे? यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। अगर कोई भी देश यूरोप पर आक्रमण करता है तो पूरे के पूरे नाटो संगठन अवरोधक का काम करेंगे। दूसरा है सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में विस्तार को रोकना, और दूसरा है सोवियत संघ अर्थात रूस जो है पश्चिम में अपना जो विस्तार कर रहा था उसको रोकना, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं उनको क्या करना है? संगठित करना है। साम्यवाद के प्रचार को रोकना, और साम्यवाद जो है उसको बढ़ावा जो मिल रहा था उसको, उसके प्रचार को एक प्रतिबंध लगाता है। वर्तमान में बदलती वैश्विक परिस्थितियों में नाटो की भूमिका में भी अनेक परिवर्तन आए हैं। ये पहले इसका उद्देश्य क्या क्या था? यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, और फिर क्या था? सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में विस्तार को रोकना, पश्चिमी यूरोप के सदस्य के देशों को एक सूत्र में संगठित करना, साम्यवाद के प्रचार को रोकना। वर्तमान में बदलती वैश्विक परिस्थितियों में नाटो की भूमिका में अनेक परिवर्तन आए हैं जो निम्नवत हैं, जो है निम्नवत हैं। वर्तमान में यह संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रों में व्यापारिक पारस्परिक सहयोग एवं संबंधों के विकास का माध्यम बन गया है। प्रजातांत्रिक मूल्यों व आदर्शों के विकास एवं प्रचार प्रसार में भी नाटो द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाई जा रही है। नाटो द्वारा वैश्विक शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन में भी इसकी भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नाटो विश्व स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु प्रयासरत है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बदलते रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी संगठन जो किसी भी उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया हो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालता रहता है, और नाटो भी इसका अपवाद नहीं है। ये जो है नाटो इसका अपवाद नहीं है, और इसीलिए यह अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लिया। अब अगला प्रश्न है आपका आईआर का, वो है आप अफ्रीकी संघ को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल मानते हैं? तो अगर बात करें भारत में इसकी सफलता की बात करें तो क्या क्या है? अफ्रीकी संघ एक अंतर महाद्वीपीय
संगठन है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। अफ्रीकी संघ की स्थापना, आधिकारिक स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। अफ्रीकी संघ का उद्देश्य एक एकीकृत उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है? एक एकीकृत उद्देश्य है अफ्रीकी देशों का, और इस अफ्रीका महाद्वीप के पूरे देश इसमें शामिल हैं। यह विश्व का दूसरा महाद्वीप है और यह राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। अफ्रीका एक एकीकृत समृद्धशाली और शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना है जो अपने स्वयं के नागरिकों द्वारा संचालित हो और वैश्विक परिदृश्य में एक गतिशील बल का प्रतिनिधित्व करे। इस उद्देश्य से अफ्रीकी संघ का निर्माण किया गया। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई इसके बारे में देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है ग्राफ द्वारा देख लेते हैं। तो आपको बता दें इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 2002 को हुई। अफ्रीका एकता संगठन के स्थान पर किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अफ्रीकी देशों और अनेक नागरिकों के मध्य समन्वय एवं एकता स्थापित करना। दूसरा है सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना। महाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है। इस संघ कहां तक सफल रहा है आपको बता दें, तो अफ्रीका जो है लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक एकता, शांति और सुरक्षा में प्रगति, संघर्ष में कमी, शिक्षा और संस्कृति में प्रगति, व्यापार में प्रगति, महिला सशक्तिकरण में वृद्धि, राजनीतिक नेताओं के बीच आपसी विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार पर प्रगति, भ्रष्टाचार पर अवरोध लगाने में पूर्णतः सफल देशों के रूप में सामने उभरा है। अब बात करते हैं अफ्रीकी संघ अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल रहा है, तो इसकी बात करें पॉइंट बाय पॉइंट में अगर देखें तो ये कहां तक सफल रहा है इस बात को देखते हैं। तो आपको बता दें कि अफ्रीकी देश जो है, अफ्रीकी संघ अफ्रीका महाद्वीप के देशों में सहयोग और एकता की भावना को बढ़ाने के साथ लोकतंत्र की स्थापना में प्रभावी रहा। यह बता दें आपको लोकतंत्र की स्थापना में यह प्रभावी रहा है। अफ्रीकी संघ ने महाद्वीप में शांति और सुरक्षा स्थापित करने तथा संघर्ष को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अफ्रीका महाद्वीप में शिक्षा और संस्कृति के विकास और प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। साथ ही राजनीतिक नेताओं व नागरिकों के बीच आपसी विश्वसनीयता बढ़ाने में अफ्रीका संघ ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। अफ्रीकी संघ ने जो है एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। अफ्रीकी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति के लिए उदारवादी मूल्यों को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रगति के लिए प्रगतिशील और नवीन नियम और मानदंड स्थापित किए हैं। अफ्रीका संघ ने कई निर्णय लेने वाली संस्थापकों का गठन किया, जिन्होंने अफ्रीका में हिंसक संघर्ष की रोकथाम, प्रबंधन और संकल्प में योगदान दिया। आपको मैं बता दूं कि अफ्रीका की यह बहुत बड़ी कमी है कि वहां पर श्वेत और अश्वेत आज भी संघर्ष पूर्ण बना हुआ है। श्वेत और अश्वेत को लेकर अफ्रीका और भारत के संबंध में अफ्रीका और अन्य वहां के जनतांत्रिक संबंध में कई कमियां देखने को मिलती हैं। ये जो है आपके प्रश्न है, इसको ग्राफ द्वारा जो बनाया गया है, जब आप परीक्षा में लिखें तो इस तरह का ग्राफ बनाना अति आवश्यक होता। बिना ग्राफ का इसको नहीं पढ़ाया जाता और न ही बिना ग्राफ का इसको लिखा जाता। आपको बता दें बिना ग्राफ का इसको अगर लिखेंगे तो यूपीएससी में नंबर मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो आपको बता दें इस तरह से चमत्कारी आंसर को पाने के लिए, अपने आंसर राइटिंग को मजबूत करने के लिए आप निश्चित रूप से मनोज आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ हमारा सहयोग करें जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। और हमारा जल्द ही एक ऐप लॉन्च हो रहा है मनोज आईएएस के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा और इसको आप आसानी से प्राप्त करें और इसमें जो है आप अपने जो है विचार व्यक्त कर सकते हैं ऐप में, और मनोज आईएएस की वीडियो को सीधे आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहने में सहयोग दें। जय हिंद।